हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क EL-308 के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट वन का नेक्स्ट टॉपिक 1.6 इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट पढ़ेंगे। इस पर एग्जाम्स में मोस्टली शॉर्ट नोट आता है। टेलीफोन हैंडसेट एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा मानव द्वारा कही गई बात यानी स्पीच सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर टेलीफोन वायर्स द्वारा दूसरे इंसान तक पहुंचाया जाता है और वहां पर फिर से इसी प्रकार के हैंडसेट द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में बदलकर हमारे कानों तक पहुंचाया जाता है। यह हैंडसेट का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हम इसके मुख्य अवयवों को देख सकते हैं, जैसे कि रिंगर, हुक स्विच, डायलिंग सर्किट, हाइब्रिड ट्रांसमीटर और रिसीवर। इन सभी कंपोनेंट्स को आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे। ट्रांसमीटर यानी प्रेषक, टेलीफोन का वह हिस्सा जो हम सुनने और बोलने के लिए उठाते हैं वह हैंडसेट कहलाता है, और जो नीचे रखा रहता है वह बेस होता है। हैंडसेट में जिसमें हम बोलते हैं वह ट्रांसमीटर होता है जो हमारी आवाज को दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। यानी ट्रांसमीटर में एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा हमारी आवाज विद्युत तरंगों में बदले। और वह यंत्र क्या हो सकता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। टेलीफोन हैंडसेट में कार्बन माइक्रोफोन यूज किया जाता है। इसकी बनावट हम चित्र में देख सकते हैं। माइक्रोफोन में कार्बन के कण होते हैं जो एक पतली परत जिसे डायफ्राम कहते हैं उससे ढके होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हवा के कंपन से आवाज उत्पन्न होती है, यानी आवाज हवा के प्रेशर में बदलाव के कारण सुनाई देती है। तो यह हवा का दबाव जब माइक्रोफोन के डायफ्राम पर पड़ता है तो वह अंदर बाहर होता है, जिसके कारण कार्बन के कण भी कभी दबते हैं और कभी खुल जाते हैं, यानी उनका घनत्व बदलता है। यदि घनत्व ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाता है, करंट को पाथ मिलता है। लेकिन यदि घनत्व कम है तो करंट को पाथ नहीं मिल पाता, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार साउंड के प्रेशर का वेरिएशन रेजिस्टेंस वेरिएशन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी के अनुपात में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है जिसे टेलीफोन वायर द्वारा ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाता है। यह भी हैंडसेट का ही पार्ट होता है। यह वह हिस्सा है जहां से हम सुनते हैं। इसके लिए एक ऐसा यंत्र चाहिए जो माइक्रोफोन के उलट काम कर सके, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में बदल सके। तो उसके लिए रिसीवर में यूज किया जाता है एक परमानेंट मैग्नेट स्पीकर। इस यंत्र में एक परमानेंट मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट के पोल्स के बीच में एक कॉइल होता है जिसमें टेलीफोन वायर से रिसीव किया हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रवाहित होता है। वह कॉइल एक डायफ्राम से जुड़ा होता है। जब रिसीव्ड इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में फ्लो होता है तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की फील्ड आपस में टकराती हैं, जिसके कारण कॉइल वाइब्रेट होने लगता है। क्योंकि डायफ्राम कॉइल से जुड़ा हुआ है तो वह भी कंपन करता है, जिसके कारण पर कभी दबाव पड़ता है कभी नहीं। इस दबाव के कारण ध्वनि तरंगे बनती हैं। डायफ्राम का कंपन विद्युत धारा के अनुपातिक है, इसीलिए ध्वनि तरंगे भी उसके अनुपातिक होती हैं। यानी विद्युत धारा ध्वनि तरंगों में बदल जाती हैं। रिंगर सर्किट के द्वारा जब हमें कॉल आता है तब फोन पर घंटी सुनाई देती है। इसके लिए मैग्नेटो बेल का यूज किया जाता है। यह घंटी एक्सचेंज द्वारा सप्लाई किए गए एसी पर कार्य करती है। हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं रिंगिंग करंट के बारे में, जिसके द्वारा कॉल्ड पार्टी के सेट की घंटी बजाई जाती है। इस बेल में एक परमानेंट मैग्नेट होता है और उसके बाहर के दो लेग्स पर कॉइल लपेटकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। इस कॉइल में एक्सचेंज द्वारा भेजा गया रिंगिंग करंट फ्लो होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की फील्ड जब टकराती हैं तो आर्मेचर में कंपन होता है और उससे जुड़ा हैमर गोंग से जा टकराता है, जिसके कारण घंटी बजती है। हुक स्विच एक सिंगल थ्रो डबल पोल स्विच होता है। जब फोन रखा होता है तो ऑन हुक कहा जाता है, तब स्विच ओपन होता है, और जब फोन यूज करते हैं तो ऑफ हुक कहा जाता है, तब स्विच क्लोज होता है। ऑन हुक मतलब हुक पर रखा हुआ, तब वह स्विच हैंडसेट से दबता है और स्विच को ओपन कर देता है, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। और ऑफ हुक का मतलब होता है हुक से हटाना, तब हैंडसेट को उठाने से वह स्विच बाहर आ जाता है और स्विच को क्लोज कर देता है, यानी लाइन कनेक्ट हो जाती है। डायलिंग सर्किट इस सर्किट के द्वारा हमें जिसे भी कॉल करना है हम उसका नंबर डायल करते हैं। मोस्टली फोन्स में DTMF सिस्टम्स यूज होता है। DTMF का मतलब है ड्यूअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब डायल पैड पर जितने भी नंबर होते हैं वो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं। सभी रोज और कॉलम्स की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। जब भी कोई नंबर हम प्रेस करते हैं तो दो फ्रीक्वेंसी, एक रो वाली और एक कॉलम वाली, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से टोन बनती है, इसीलिए इसे डुअल टोन कहते हैं। इस टोन द्वारा एक्सचेंज कॉल सब्सक्राइबर के नंबर को पहचानता है। हाइब्रिड यह एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर होता है जिसके द्वारा ट्रांसमीटर और रिसीवर से आने वाले सिग्नल्स को फोर वायर्स से टेलीफोन वायर के टू वायर पेयर पर भेजा जाता है। यह ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड सिग्नल को अलग अलग करने का काम भी करता है। ट्रांसमिटेड सिग्नल के कुछ पार्ट को फिर से स्पीकर में भी भेजता है, जिसे साइड टोन कहते हैं। फोन में बात करते हुए हमें जो अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है वह साइड टोन कहलाती है। इससे बोलने वाले व्यक्ति को अपनी आवाज़ का वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने का अंदाज़ा लगता है। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट का कार्य और उसके अवयवों के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।